हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के इस लेक्चर सीरीज में अपने अब तक के वीडियोस में हमने उन सभी सेक्शंस को कवर कर लिया है जहां से क्वेश्चंस फ्रेम होते रहे। हमने हिंदू मैरिज एक्ट के कंप्लीट इंपॉर्टेंट सेक्शंस को डिटेल में कवर किया है बेयर एक्ट के साथ, और हमने प्रॉपर केस लॉज भी देखा है। अगर आप वीडियो में नए हो और आप हिंदू मैरिज एक्ट के ऊपर कंप्लीट लेक्चर चाहते हो, हर सेक्शन को डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो आप मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सेक्शन 27 के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। आज इस वीडियो में हम सेक्शन 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को कवर करेंगे। अब तक के वीडियोस में हमने हिंदू मैरिज एक्ट के लगभग सभी सेक्शंस को कवर कर लिया है, तो हमारे पास प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है ईच एंड एवरी सेक्शंस का। हम जानते हैं कि सेक्शन 5 बात करता है कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज के बारे में, सेक्शन 6 रिपील हो चुका है, 7 बात करता है सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज के बारे में, 8 रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज, 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, 10 जुडिशियल सेपरेशन, 11 वॉइड मैरिज, 12 वॉइडेबल मैरिज। तो अगर आप मेरे वीडियोस को शुरुआत से फॉलो कर रहे हो तो ये सभी सेक्शंस आपको याद हो गए होंगे, और ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। एक लास्ट सेक्शन जो कि बचा हुआ है, विच इज सेक्शन 3, जो कि बेसिकली डेफिनेशन क्लॉज है, जिसमें कुछ वर्ड्स के मीनिंग को डिफाइन किया गया है। और अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट को पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले इन वर्ड्स के ऊपर आपका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि आप बात ही कर रहे हो हिंदू मैरिजेस के बारे में। तो कुछ वर्ड्स जो कि बार बार रिपीटेडली इस एक्ट को पढ़ने के दौरान हमने बार बार देखा, बार बार सुना, जिसमें सबसे पहले था सपिंडा रिलेशनशिप, दूसरा था प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप, याद करिए जब हमने सेक्शन 5 को पढ़ा जिसमें हमने कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज की बात करी, जिसमें हमने 5 कंडीशंस के बारे में बात किया, राइट? पहला कंडीशन क्या था कि नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, दोनों पार्टीज में से किसी का भी पहले से जीवित पति या पत्नी विवाह के समय तक नहीं होना चाहिए, यानी बेसिकली भाई गामी के बारे में बात किया जाता है। दूसरा क्या था, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, नाइदर पार्टी टू द मैरिज सफरिंग फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। तीसरा क्या था, एज ऑफ मैरिज को लेकर के था। फोर्थ वन बात करता था कि जिन दो पार्टीज के बीच विवाह संपन्न हो रहा है वो डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं आते हो विवाह के समय तक। पार्टीज टू द मैरिज मस्ट नॉट बी फॉलिंग विद इन डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। और पांचवा जो कंडीशन था वो था कि जो पार्टीज हैं वो एक दूसरे से सपिंडा रिलेशनशिप में ना आते हो। लेकिन आगे हमने ये भी समझा, तो एक तो हमने ये समझा कि अगर दो पार्टीज हस्बैंड एंड वाइफ जिनके बीच विवाह संपन्न हो रहा है, अगर ये दोनों एक दूसरे से डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं तो इनके बीच का जो मैरिज है वो वैलिड नहीं होगा, उस मैरिज को हम वॉइड मानेंगे।
लेकिन आगे हमने ये भी समझा कि अगर इन दोनों के कस्टम्स, इन दोनों के रिचुअल्स इस बात की इजाजत देते हैं डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आने के बावजूद इनके रिचुअल्स, इनके कस्टम्स इस शादी को मान्यता देते हैं, तो ये दोनों विवाह कर सकते हैं एंड दैट मैरिज वुड बी कंप्लीटली कंसीडर्ड एज वैलिड मैरिज, राइट। और फिर हमने देखा कि अगर जिन दो पार्टीज के बीच विवाह संपन्न हो रहा है वो दोनों एक दूसरे से सपिंडा रिलेशनशिप में आते हैं तो उनके बीच विवाह नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो दैट मैरिज विल नॉट बी कॉन्सिडर्ड एज वैलिड मैरिज। लेकिन अगेन अगर उनके कस्टम्स, उनके रिचुअल्स इस विवाह को रिकग्नाइज करते हैं तो फिर उनका जो मैरिज है उसे वैलिड माना जाएगा। तो यानी हमने कई बार बात किया डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, सपिंडा रिलेशनशिप। तो आने वाले 2-3 वीडियोस में हम सेक्शन 3 को कवर करेंगे और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जैसे सपिंड रिलेशनशिप, डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूटेरिन ब्लड, इन सभी टर्म्स को डिटेल में समझेंगे। और जैसे ही हम इस सेक्शन को कवर कर लेंगे हम हिंदू मैरिज एक्ट को कंप्लीट कर चुके होंगे। और इन सेक्शंस के अलावा आपको अदर सेक्शंस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। सो व्हाट इज सपिंड रिलेशनशिप? हमने जान लिया है कि दो पार्टीज जिनके बीच विवाह संपन्न हो रहा है अगर वो एक दूसरे से सपिंड नातेदारी रखते हैं और उनके कस्टम, उनके रिचुअल्स इस विवाह की इजाजत नहीं देते हैं, फिर भी अगर वो विवाह करते हैं तो वो विवाह वैध विवाह नहीं है, दैट मैरिज इज नॉट वैलिड मैरिज, राइट। तो बेसिकली सेक्शन 3 विच इज डेफिनेशन क्लॉज, सेक्शन 3 क्लॉज सी में डिफाइन किया गया है फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड को, 3D यूटेरिन ब्लड, F सपिंडा रिलेशनशिप और 3G डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। नाउ सेक्शन 3F सपिंडा रिलेशनशिप, अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो सपोज देर आर 2 पर्सन्स, 2 पर्सन्स जिनके बीच विवाह संपन्न हो रहा है, इनका एक कॉमन एंसेस्टर है, जिस एंसेस्टर को लेकर के इन दोनों के पास अधिकार है कि वो अपने उस पूर्वज का पिंड दान कर सकते हैं, तो ये दोनों आपस में सपिंड नातेदारी में आएंगे और इनके बीच विवाह संपन्न नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो दैट मैरिज विल नॉट बी कॉन्सिडर्ड एज वैलिड मैरिज। अगेन अगर उनके कस्टम्स, उनके रिचुअल्स इस मैरिज को वैलिडेट करते हैं दे कैन मैरी, राइट। तो हमने जाना कि 2 पर्सन्स, हस्बैंड एंड वाइफ, इनका कोई कॉमन एंसेस्टर निकला जिसका पिंडदान ये भी कर सकता है और ये भी कर सकती है, तो ये दोनों आपस में सपिंडा रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं और इन दोनों के बीच विवाह नहीं हो सकता है। दिस इज द कंडीशन, राइट। अब देखो आप कुछ इस तरह से भी कह सकते हो कि अगर 2 पर्सन्स
अपिंडा रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं या एक दूसरे के सपिंडाज हैं या उनका कोई कॉमन लीनियल एसेंडेंट है, तो उनके बीच मैरिज इज नॉट पॉसिबल एंड दैट मैरिज विल नॉट बी कॉन्सिडर्ड एज वैलिड मैरिज। तो ये जो पिंड दान करने का कॉन्सेप्ट है, ये हिंदू रिचुअल्स, हिंदू कस्टम्स में एक रिवाज है, जिसमें क्या होता है कि जो डिसेंडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, अपने पूर्वजों को लेकर के एक खास रस्म करते हैं, पिंड दान करते हैं, ताकि उनके पूर्वजों को वैकुंठ मिल सके और उनके पूर्वजों के आत्मा को शांति मिल सके। राइट, अब समझो कि किस तरह से हम ये पता करेंगे कि जिन दो पर्सन्स के बीच विवाह संपन्न हो रहा है वो एक दूसरे से सपिंड रिलेशनशिप में आते हैं। राइट, तो हाउ विल यू डिटरमाइन दैट द पार्टनर टू हुम यू आर गोइंग टू मैरी is falling within degrees of sapinda relationship, right? तो इसके लिए कहा गया है कि आप एक line draw करो, right? और ये हो आप, तो आप अपने आप को generation one count करो और इस line पे और भी जितने पर्सन्स आ सकते हैं, जैसे आपके कजिन्स, आपके ब्रदर सिस्टर, तो ये सभी पर्सन्स इसी लाइन पे आएंगे और इन्हें भी जनरेशन वन माना जाएगा। अब कहता है कि आपने अपने आप को जनरेशन वन माना, ये आपकी मदर और ये आपके फादर, तो आप अपने आप को काउंट करते हुए अपने मदर के साइड से अप टू 3 जनरेशन काउंट करो इन लाइन ऑफ एसेंट थ्रू मदर, विच मीन्स आप अपने को काउंट करते हुए अपने से ऊपर जाओगे। अगर आप जनरेशन वन हो तो योर मदर इज जनरेशन टू एंड योर मदर्स मदर इज जनरेशन थ्री, तो आपका पार्टनर जिससे आप विवाह करना चाहते हो वो अगर यहां कहीं फॉल कर रहा है तो वो बेसिकली आपसे सपिंड रिलेशनशिप के साथ जुड़ा हुआ है और आप उससे शादी नहीं कर सकते। अब कहा जाता है कि फादर के साइड से आप अप टू 5th जनरेशन काउंट करो, यानी आप जनरेशन वन तो आपके फादर जनरेशन टू, योर फादर्स फादर जनरेशन थ्री, योर फादर्स फादर्स फादर जनरेशन फोर एंड योर फादर्स 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 फादर जनरेशन 5th। आपका पार्टनर अगर यहां से कहीं फॉल कर रहा है तो भी आप उससे शादी नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि यू हैविंग द राइट कि आप इन सभी पर्सन्स का पिंड दान कर सकते हो। और अगर आपका पार्टनर यहां से कहीं है या यहीं से कहीं है तो एक टाइम आएगा जहां आपके कॉमन एंसेस्टर होंगे और उस कॉमन एंसेस्टर का पिंड दान करने का जो राइट है वो आपका भी है और उसका भी होगा, तो आप एक दूसरे के साथ सपिंड नातेदारी में आ रहे हो। आपके बीच विवाह नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आपके कस्टम, आपके रिचुअल्स इस शादी को मानते हैं, इस शादी की इजाजत देते हैं, तो आप कर सकते हो। अगर आपका पार्टनर इस जनरेशन के बियॉन्ड कहीं है, कहीं फॉल कर रहा है, या इस जनरेशन के बियॉन्ड कहीं फॉल कर रहा है, तो आप यू मे मैरी हिम और यू मे मैरी हर। तो एक जो लिमिटेशन है वो ये है कि आप अपने आप को जनरेशन वन काउंट करते हुए मदर के साइड से अप टू 3 जनरेशन ऊपर की तरफ
इन लाइन ऑफ एसेंट थ्रू मदर और अप टू फिफ्थ जनरेशन इन लाइन ऑफ एसेंट थ्रू फादर। ये देखोगे अब जैसे मानो कि इसी लाइन पे कोई एक पर्सन एग्जिस्ट कर रहा था, इसने जब अपने आप को जनरेशन वन काउंट करते हुए फ्रॉम फादर साइड काउंट किया राइट, तो एक कॉमन एंसेस्टर निकल कर क्या जो कि इसका भी कॉमन एंसेस्टर है और ऑब्वियस सी बात है आपका भी कॉमन एंसेस्टर है, तो भी आप दोनों के बीच विवाह नहीं हो सकता। तो यानी सपेंडर रिलेशनशिप में तीन कंसिडरेशंस आपको लेकर के चलना होता है। पहला ये कि आप अपने आप को जनरेशन वन मानोगे, दूसरा मदर के साइड से अप टू थर्ड जनरेशन काउंट करोगे और तीसरा फादर के साइड से अप टू फिफ्थ जनरेशन आप काउंट करोगे। आई होप कि जो सपेंडा रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें कहा गया है बेयर एक्ट में कि टू पर्सन्स आर सपेंडास ऑफ ईच अदर, पहला इफ वन इज लीनियल असेंडेंट ऑफ अदर विद इन लिमिट ऑफ सपेंडा रिलेशनशिप, यानी फादर के जनरेशन से अप टू फिफ्थ जनरेशन में वो कहीं आता है और मदर के साइड से अप टू थर्ड जनरेशन में वो कहीं आता है, तो आप उससे शादी नहीं कर सकते। और दे हैव कॉमन लीनियल असेंडेंट राइट, और वो जो कॉमन लीनियल असेंडेंट है शुड बी सपिंडास ऑफ बोथ, तो ऐसे नातेदारी में शादी नहीं हो सकती है राइट। तो ये था सपिंडा रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट जिसे हमने इस वीडियो में समझा। और हम जानते हैं कि सेक्शन 5 के बारे में जब हम बात करते हैं, कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज के बारे में बात करते हैं, तो ये मैंडेटरी कंडीशन है कि जिन दो पार्टीज के बीच विवाह संपन्न हो रहा है वो एक दूसरे से सपिंड नातेदारी से न जुड़े हों। लेकिन अगर जुड़े हैं और उनके रिचुअल्स उनके कस्टम्स इस बात की इजाजत देते हैं कि वो एक दूसरे से परिणय सूत्र में बंध सकते हैं, तो दे कैन मैरी ईच अदर एंड दैट मैरिज विल बी कंप्लीटली अ वैलिड मैरिज। अब अपने नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में एंड वी विल सी सेक्शन 3G ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट राइट। उसके बाद एक सेपरेट लेक्चर में हम बात कर लेंगे फुल ब्लड हाफ ब्लड और यूटेरिन ब्लड के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।